मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा में नाच ब्यूटी पार्लर में 21 दिसंबर 2022 को किसी शख्स ने पत्थर मारकर यहां पर जो ब्यूटी पार्लर का कांच का गेट था उसे तोड़ दिया और अब आज किसी शख्स ने इस ब्यूटी पार्लर के दरवाजे की कड़ी काटने की कोशिश की है। ये ब्यूटी पार्लर एनसीपी के कार्यकर्ता रेहाना सैयद का है और इनकी भांजी हिना इसकी जिम्मेदारी संभालती है। इनका ऐसा आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और उन्हें अब जान का खतरा भी महसूस हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर लगाए गए थे वो भी तोड़कर कोई उठा ले गया है। हालांकि रेहाना सैयद ने बताया है कि इस दोनों मामले में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है और पुलिस ने एनसी दर्ज किया है। रेहाना सैयद और हिना ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना सैयद है। अच्छा, ये आपका नाज ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पर क्या घटना हुई है? यहाँ पे मेरा पार्लर 23 साल से कभी कुछ नहीं हुआ, मगर एक महीना पहले 20 दिन पहले से मुझे ऑफ़र आने लगे कि रिदा रशीद का जो केस है तुम वापस लो, तो मुझे पैसे की ऑफ़र आने लगी वाया, तो मैंने उनको मना कर दिया। मना करने की वजह से ये मेरे दुकानों पे हमला होना चालू हो गया, क्योंकि किसी को चोरी करना होता है तो वो चोरी करके जाएगा ना, ऐसा दिन दहाड़े कांच पत्थर से फोड़ के जाएगा कि कल मेरी जान को धोखा है। अगर मेरे को कुछ होता है कल, अगर मेरी जान को धोखा, मेरे पे हमला हुआ, वार हुआ, किसी गर्दुले से किसने कराया, ये आपके दुकान में जो तोड़ फोड़ हुआ ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि हम लोग वार्ड में काम कराने के लिए साहब की निधि से यहाँ पे घूम रहे थे 4 दिन पहले, उसके बाद ही ये सब शॉट हुआ। ये जो कांच टूटा आपके इस पार्लर का, ये कब टूटा और कब हमला हुआ तो वो पूछ रहा हूँ मैं, कितने तारीख को हुआ? 21 तारीख को रात नहीं, शाम में पत्थर से आके तोड़ के चला गया। अगर चोर होगा तो चोरी करेगा ना, पत्थर से थोड़ी ना कांच तोड़ के जाएगा, और वो बच्ची की जान जाती, मेरी जान जाती तो कौन भर के देता हो। कुछ फुटेज सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, सीसीटीवी फुटेज सब हम आपको देंगे। उस टाइम पे कौन था यहाँ पर? पूरी पब्लिक थी, ये लड़की थी, मैं थी, अंदर थी। क्या नाम आपका? मेरा हिना नाम है। क्या हुआ था उस दिन, किस तारीख? उस दिन हम लोग काम कर रहे थे अंदर, और बाहर से जो है ना किसी ने दरवाजा तोड़ा, अब पता नहीं चला कैसे क्या, जब पूरा ब्लास्ट हो गया पूरा अंदर तक के कांच चली गई और बाहर तक आई, और वही टाइम पे जब हम लोगों ने फुटेज निकाले तो यहाँ से भागते हुए दूसरे कैमरे में भी फुटेज कह रही हूँ। अच्छा, 21 तारीख को आप बोल रहे हैं कि ये घटना हाँ, हुई है पिछले साल दिसंबर में, मतलब तो अभी तक क्यों आप लोग खामोश थे? हमने एनसी के बाद एनसी कराए, फिर उसके बाद में कितने तारीख को एनसी कराए थे? एनसी कराए थे उसी दिन 8 बजे चले गए थे, 8:15 बजे। तो आज फिर क्या हुआ था? आज सवेरे जब मैं पार्लर अभी दोपहर के टाइम पे खोली आने के टाइम पे, तब मैंने चेक की कि मेरा कुंडी जो है वो टेढ़ा है। देखिए बताते, ये जो दरवाजा है ये लॉक ओपन नहीं हो रहा था, ये देखिए ये जो है ना टेढ़ा हो गया था, तो ये जो है कुंडी ये बाहर नहीं निकल रही थी, तो मुझे शक गया। फिर जब मैंने ये सब चीज़ें देखी कि ये सब तो था नहीं कल तक, फिर जब मैं यही सोचते हुए फुटेज की तरफ, कैमरे की तरफ मैंने नज़र की तो देखी तो कैमरा भी गायब है वहाँ से। यहाँ पर कैमरा लगा? हाँ, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। तो ये मतलब ये तोड़ने की कोशिश की गई थी? हाँ, ये पूरा काटा गया है, देखिए ना, ये पास से दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से पूरा काट के ये पूरा टेढ़ा हो। तो अभी इसके बारे में भी कुछ कंप्लेन वगैरह कुछ? अभी कंप्लेन डाल के आए हैं, अभी देखते क्या एनसी लिए। हाँ, एनसी लिए।